एक वॉर की कंडीशन में घायल सोल्जर्स को हॉस्पिटल्स तक ले जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है और ज्यादातर मिलिट्रीज वॉर जोन के आसपास ही पोर्टेबल हॉस्पिटल ट्रक्स के माध्यम से बना लेती है। लेकिन रशिया में इन हॉस्पिटल्स को एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप किया जाता है, कुछ इस तरीके से इक्विपमेंट को हवा से एयर ड्रॉप किया जाता है। डॉक्टर्स और नर्सेस को भी इसी मेथड से उतारना पड़ता है और क्योंकि डॉक्टर्स पैराट्रूपर्स नहीं होते हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट से उतरने की प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए उन्हें किसी एक्सपीरियंस सोल्जर्स के साथ में उतारा जाता है। एयर ड्रॉपिंग के बाद में इन पोर्टेबल हॉस्पिटल्स को कुछ टाइम में ही सेटअप कर लिया जाता है। इनके अंदर 2 सप्ताह तक की सप्लाई होती है और जरूरत पड़ने पर ज्यादा सप्लाईज को भी एयर ड्रॉप किया जा सकता है। ये इतना ज्यादा एलोबरेट होता है कि इसके अंदर सोल्जर्स की सर्जरी तक का भी सारा इक्विपमेंट होता है।